खरगोन जिले के बढ़वा सिविल हॉस्पिटल में गुरुवार को स्वास्थ्य मेले का विशाल आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ कृषि एवं जिला प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पटेल ने सिविल हॉस्पिटल बढ़वा में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आगामी दिनों में अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने की बात कही, जबकि हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टरों को समय अनुसार अपनी ड्यूटी पर रहकर मरीजों का उपचार करने की हिदायत दी। इस मौके पर मंत्री पटेल और विधायक सचिन बिरला ने मंच पर छोटी बालिकाओं को बुलाकर कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया, जबकि मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक व्यंजन बनाकर उनका प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु को पौष्टिक आहार देने के लिए जागरूक करना था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिविर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश में हमने इस बार ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिस कड़ी में आज बढ़वा में भी हर प्रकार की गंभीर बीमारियों का यह परीक्षण होगा। परीक्षण होकर जिस बीमारी का पता चलेगा मरीज को, उसके उपचार के लिए शासन अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराएंगे और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज एक परिवार का साल भर में निःशुल्क होता है। तो चाहे सरकारी अच्छे बड़े हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हों, जिस प्रकार करोड़पति अरबपति लोग अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं, इसी प्रकार गरीब मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता का भी इलाज 5 लाख तक का अच्छे से अच्छे अस्पताल में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया जाएगा। जो राशि लगेगी वो उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पतालों को दी जाएगी, जिससे गरीब आदमी मध्यम वर्गीय आदमी का भी निःशुल्क उपचार हो सके। और इस स्वास्थ्य शिविर में आए हुए सभी लाभार्थी हितग्राही जो अपनी जांच कराएंगे, कई दिनों से जो बीमार हैं, मैंने अभी एक बच्चे से मिला, अस्पताल में गया था। स्वास्थ्य शिविर का क्या लाभ मिला यहाँ लोगों को? देखिए, स्वास्थ्य शिविर में अभी तो शुरू हुआ है, यहाँ लोग आएंगे, अपना पंजीयन कराएंगे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अगर उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, तो वो आएगा, उसका परीक्षण होगा, उसके सब प्रकार की खून पेशाब इसकी जांच होगी, क्या बीमारी है, अलग अलग विभाग है, और उसके बाद उनकी लिस्ट बनेगी। जो गंभीर रोगी है उनका उपचार हम सरकारी अस्पताल में या आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क कराएंगे, ताकि वो स्वस्थ होकर अपने घर जाकर अपने परिवार और समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। मंत्री जी, यहाँ तो भारत, यहाँ पे मशीनों की कमी है, यहाँ पे मशीनों की कमी, उपकरणों की, उसके लिए कुछ व्यवस्था करवाएं। जो जो पे कमी है, मैं अभी यहाँ के, यहाँ पे आज तक एक भी सीजन नहीं हुआ है, नियमों से चर्चा करके जो होगी उसके संबंधित विभाग के मंत्री को मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। डॉक्टरों को भी आपने सप्लाई दी है? भाई साहब, एक निवेदन था, बढ़वा एक एक्सीडेंटल जोन है हाईवे कारण, और अक्सर यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो ब्लड चढ़ाने की स्थिति में मरी जाता है। ब्लड बैंक नहीं है, पहले ब्लड बैंक था, निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, डॉक्टरों का हेडक्वार्टर भी नहीं, उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। हम क्या करें, आज के बाद में कहीं हो मुझे आप सूचना दो, मैं तत्काल चार्ज कराऊंगा, नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक्शन। दादा दरबार हॉस्पिटल में अभी पंजीयन के लेकर मामला चल रहा है, उसमें कुछ कहेंगे आप? सिटी स्कैन बिना पंजीयन के चल रही है, 2 बार 3 बार नोटिस जारी हो गए। सर, आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है, किस प्रकार किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज दिनांक 28 अप्रैल को ब्लॉक बढ़वा में ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया है। इस शिविर में जो पात्र हितग्राही हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनना है, जो क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हैं उनका आभा इलेक्ट्रॉनिक आईडी बननी है, साथ ही साथ मेडिसिन रोग, सर्जरी रोग, अस्थि रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, नाकान गला रोग, स्त्री प्रसूति रोग, समस्त विशेषज्ञ आज उपलब्ध हैं, समस्त जांच एवं उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। जो जिन लोगों का यहाँ जांच उपचार संभव नहीं है उनके लिए रेफरल कार्ड बनाए जा रहे हैं, और उनका जो उपचार जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य हायर संस्थाओं में करवाया जाएगा।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।